आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। आप हमारे साथ हमारा खास कार्यक्रम प्राइम चर्चा। देश में इस समय तमाम तरह के मुद्दे ज्वलंत हैं। मुद्दे कभी ज्ञानवापी की सुनवाई होती है, तो कभी राष्ट्रपति चुनाव की बात होती है, कभी ताजमहल की बात होती है, तो कभी गठबंधनों के टूटने की बात होती है। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जिसमें तमाम तरह की गतिविधियां हैं वो ऐसी चल रही हैं कि एक अलग तरह का माहौल तैयार होता जा रहा है। माहौल कभी काली फिल्म में माँ काली के विवादास्पद दृश्य की बात करें, चाहे ज्ञानवापी मामले की बात करें, और अभी हाल में ही एक मामला और चर्चा में आ गया है। मामला मुद्दा एक ही बात है, और चर्चा का मुद्दा ये है कि जो संप्रगा से जो उम्मीदवार थे यशवंत सिन्हा, वो यहाँ पर आए थे और बाकायदा उनको सपा कार्यालय में अखिलेश यादव के साथ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद शाम को डिनर भी हुआ और डिनर में तमाम तरह के जो सपा पार्टी गठबंधन है वो शामिल हुए थे। पर इस डिनर में जब ओमप्रकाश राजभर को नहीं बुलाया गया, वो गए नहीं, तो उन्होंने बयानबाजी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि हमको बुलाया नहीं गया, हमको जानकारी नहीं दी, और अब पार्टी डिसाइड करेगी कि हमको किसका समर्थन करना है। तो वहीं कल द्रौपदी मुर्मू, जो कि भाजपा गठबंधन की उम्मीदवार हैं, वो आई थीं और उनका यहाँ पर स्वागत हुआ। और शाम को जब 5 कालिदास मार्ग पर द्रौपदी मुर्मू के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया गया, उसमें भाजपा के अलावा ओमप्रकाश राजभर, जो कि सपा गठबंधन में सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके अलावा प्रसपा के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव और जनसत्ता दल के जो अध्यक्ष हैं राजा भैया, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, वो भी शामिल हुए। और वहीं से पटकथा जन्म लेती नजर आई, क्या गठबंधन टूट चुका है, क्या गठबंधन में सहन हो गई है, और जो ये गठबंधन है वो अब 24 तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। क्योंकि जिस तरह से लगातार ओमप्रकाश राजभर बयानबाजी कर रहे थे और अखिलेश यादव ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि हमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर बयानबाजी का दौर जारी रहा। और बयानबाजी के दौर की कसक इतनी ज़्यादा रही कि कल रात्रि भोज में कुछ अलग ही पटकथा ने जन्म ले लिया। मैं कुछ बयान सुनते भी डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। जबकि मैंने समाजवादी पार्टी को बनाने में नेताजी का हमेशा छाए की तरह से मैंने उनका साथ दिया है, और कई बार सरकारें गिरा करके बनाई भी हैं, उसके बाद अगर समाजवादी पार्टी में कोई बुलावा भी न दे, कोई पूछे नहीं, कोई बात न करे, तो फिर वहाँ जाना मेरा ठीक नहीं। ये बयान देखा कि समाजवादी पार्टी में जब कोई पूछेगा नहीं तो वहाँ हम क्यों जाएंगे, तो ये आज का मुद्दा है। और देखने वाली बात है कि ये गठबंधन अब कहाँ जाएगा। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा से शमसी आजादी, हमारे साथ मौजूद हैं प्रवक्ता सुभाषपा के रूप में दयाराम भार्गव जी, हमारे साथ मौजूद हैं तारिक खान समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे, संतोष यादव जी RLD से अपना पक्ष रखेंगे, गजेंद्र त्रिपाठी राजनीति विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ जुड़ेंगे। तो जो पहला हमारा जो सवाल रहेगा वो सपा से रहेगा। तारिक भाई, आपको आवाज़ आ रही मेरी? आ रही है। तारिक जी, क्या रहा, बुलाया नहीं गया जब यशवंत सिन्हा आए थे, ये नाराजगी ओमप्रकाश राजभर ने कहा भी था कि हमको बुलाया नहीं गया, हमको सूचना नहीं दी गई, और अब हम फैसला करेंगे कि हमको किसको समर्थन देना है, ये चर्चा परसों की थी। और आज यानी कल जब द्रौपदी मुर्मू आई थी, उनके सम्मान में 5 कालिदास पर रात्रि भोज का आयोजन किया गया था, उस रात्रि भोज में ओमप्रकाश राजभर भी पहुंचे थे, शिवपाल सिंह यादव भी पहुंचे थे और राजा भैया भी पहुंचे थे। क्या मानते हैं समाजवादी पार्टी गठबंधन में सेंध लग गई है, या जो बयानबाजी हो रही है उसके कारण है? देखिए, बयानबाजी तो इन्होंने भी की, हर बातें सार्वजनिक रूप से कहना जरूरी नहीं है, इस चीज को राजनीति में समझना बहुत जरूरी है। और राजभर साहब बहुत वरिष्ठ हैं, उनको भी इस चीज को समझना चाहिए कि कौन सी चीजें सार्वजनिक रूप से कहनी है या नहीं कहनी है। अब जहां तक बात है गठबंधन की, तो गठबंधन तो अभी तक तो हमारा है, उनको बुलाया गया नहीं बुलाया गया, यह क्या मामला था, अब इस चीज को तो समझना ही मुश्किल लगता है हमको। लेकिन फिर भी आप जो अभी जो घटनाक्रम हुआ, और वो मिलने चले गए शाम को उनसे, मुर्मू जी के उनके डिनर में, यह चीज मुझको गलत लगती है।
क्योंकि आपकी विचारधारा बीजेपी अगेंस्ट थी, अभी 4 घंटे में आपकी विचारधारा बदल गई। मैं इसको व्यक्तिगत रूप में बिल्कुल गलत मानता हूँ कि 4 घंटे लगे आपको अपनी विचारधारा परिवर्तित करने में। आपके 4-5 मुद्दे जो आप लेके आए थे कि ओबीसी को वर्गीकरण किया जाए, उसका क्या हुआ? बीजेपी मान गई क्या आपकी बातों को? तो आपकी विचारधारा मेल खा गई। उसके बाद आपने ये, आपकी एक और मांग थी कि राजभर को एसटी में समायोजित किया जाए, वो चीज मान गई क्या भाजपा जो आप इस टाइम उनके साथ चले गए? अगर जनहित के लिए आप राजनीति में आए थे ना, तो जिन मुद्दों पे आप आए थे उस मुद्दों का अगर एग्रीमेंट हो गया तो आप चले जाइए, लेकिन मुद्दों का एग्रीमेंट नहीं हुआ है। आप क्या अपनी पर्सनल ईगो के लिए या पर्सनल प्रॉब्लम के लिए, या आपको नहीं मिलाया गया इसलिए अगर राजनीति में आए थे तो भाई ठीक है, आप कहीं भी जा सकते हैं। और दूसरी बात, एक बात और, जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है राजभर साहब का, बीजेपी पे इन्होंने जब छोड़ा तो आरोप लगाया था कि हमने जो ऐसे सरकारी पद होते हैं जैसे किसी आयोग का अध्यक्ष बनाया जाए, वो 36 मांगे थे, ये बीजेपी ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, और 6 दिए तो इन्होंने पार्टी छोड़ दी। इसका मतलब क्या है कि राजभर साहब की, मैं आरोप उन पे नहीं लगा रहा हूँ, वो बहुत जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, लेकिन उनका जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, जो शैली है राजनीति, वो यही है कि कभी भी कुछ भी कह देना, जो चीज कहीं पे सूट नहीं करती है पूरा। जब उन्होंने भाजपा छोड़ा तो एक मुहिम ही छेड़ रखी थी भाजपा में रहते ही हुए। आप अपनी जो दिक्कतें हैं हर बात सार्वजनिक रूप से कहना हमेशा, और एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को उसका कतई भी बुरा न लगे ये उम्मीद रखना, मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से जायज है। तो इस चीज को जस्टिफाई कराया जा सकता है। भाई पर जब यशवंत सिन्हा ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वहां पर जन चौधरी मौजूद थे, पर इनको बुलाया नहीं गया। इनका कहना ये था कि ना इनको बुलाया गया, सतपाल सिंह यादव का भी ये कहना था, इनको भी नहीं बुलाया गया। तो ये जब गठबंधन है और यूपीए का गठबंधन है, अखिलेश यादव दिल्ली गए थे, उनके नामांकन में भी गए थे, और चूंकि गठबंधन के साथी हैं तो उनको भी बुलाना चाहिए था, इसको क्या सही मानते हैं क्या? नहीं बुलाया गया, नहीं तो उनको नहीं, देखिए ये सही नहीं है। अगर गठबंधन में अभी है, मुझे ये नहीं पता, रीजन नहीं पता, लेकिन इस चीज को भी मैं यही सही कहूंगा कि आपने 4-4, 5-5 बार आप कहें कि आप एसी कमरे में बैठे रहते हैं, फिर वो कहां निकले अखिलेश यादव आपके हिसाब से? तब तो वो अभी भी एसी कमरे में होंगे। जब वो आदमी सुबह से और रात में 2 बजे तक रथ यात्रा लेके निकलता है, तब उसकी तारीफ नहीं की जाती है। उसके बाद जब अखिलेश यादव कहीं रहते हैं या कहीं नहीं जाते हैं, तो उसको एक टारगेट बना लिया जाता है। इस चीज की हम बिल्कुल अपने जो नेता हैं उसको डिफेंड करेंगे इस बात। चलिए हमारे साथ भाजपा से शमशी आजाद जी। शमशी जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी शमशी भाई, आवाज आ रही है आपको मेरी? शमशी भाई, देखा आपने कि राजभर जी कल आए थे और भोज में शामिल हुए, सतपाल जी भी आए थे और उसके बाद राजा भैया भी आए थे, क्या मानते, क्या समीकरण है, क्या सुबह का भूला शाम को घर लौटाया है क्या? चाहते हैं कि बराबर आपकी तरफ से बुलाया जाता है लेकिन आ नहीं पाते व्यवस्था के कारण। कोई बात नहीं, देखिए ये समीकरण जो चल रहा है इस वक्त 2024 का चुनाव और राष्ट्रपति का चुनाव, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव लड़ती है तो बहुत सीरियस मोड में होती है और हमेशा चुनाव की करती है, उसका पन्ना पानी से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जो है वो हमेशा जनता के बीच में बना रहता है। हमेशा हम प्रदेश स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की मीटिंगें बैठकें कार्यकर्ताओं के बीच में जाना, जनता के बीच में जाने का काम करते रहते हैं, जिससे हमारा भारतीय जनता पार्टी का मनोबल हमेशा बढ़ा रहता है और कार्यकर्ता जिससे उत्साहित रहते हैं। अब आ जाती है बात ओम प्रकाश राजभर की, चाहे शिवपाल यादव की कह लीजिए, तो अखिलेश यादव ने अपनी हठधर्मिता की वजह से अपने अहंकार साथियों को खोया है। अभी एक गाना जो आजकल चल रहा होगा आपने देखा होगा ट्रेन में, धोखा रख दू नाराज होके क्या, तो अखिलेश यादव जी ने हमेशा यही काम किया कि अपने जो भी सहयोगी दल उनके रहे हैं हमेशा उनको धोखा देने का काम किया है, चाहे कांग्रेस के साथ गठबंधन किया हो, चाहे बसपा के साथ गठबंधन किया हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी के साथ किया हो। जयंत चौधरी का भी हाल आपने देखा कि पश्चिम में तो उनका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, लेकिन जैसे पूर्वांचल की तरफ बढ़े तो यहाँ पर इन्होंने इग्नोर करना शुरू किया। ओम प्रकाश राजभर जी का दबदबा पूर्वांचल में था तो इनको पश्चिम की तरफ लेके नहीं गए, हमेशा अपने साथियों को दबाने का काम किया, कभी इन्होंने अपने सहयोगी दलों को, अपने खास लोगों को अपना ऊपर बढ़ाने का काम नहीं किया। उनको डर हमेशा रहती है कि कहीं ये हावी हो जाएंगे तो समाजवादी पार्टी का अस्तित्व कहीं ना समाप्त हो जाए, तो इस डर की वजह से अब उन्होंने देखा कि ओम प्रकाश राजभर का जो है कद बढ़ रहा है, लगातार जनता के बीच में लोकप्रिय होते जा रहे हैं, तो उन्होंने इसकी काट करने के लिए ओम प्रकाश राजभर का जो है तो बहिष्कार करना शुरू कर दिया और इसी वजह से ओम प्रकाश राजभर जैसा कुशल आदमी और शिवपाल यादव जैसे नेता, बड़े नेता जिनको कहा जाता है, जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं, संगठन को मजबूत करते हैं, और समाजवादी पार्टी आज अगर मजबूत है
तो वो जो है शिवपाल की कहीं ना कहीं से देन, इसको जो इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो यही चीज है, लेकिन उन्होंने किस तरीके से चुनाव में धोखा दिया बड़ी लंबी बात हो जाएगी। तो अभी जो हालिया में जो इनके यहाँ पर मीटिंग होती है, जब यशवंत सिन्हा जो है इनके सहयोगी दल के राष्ट्रपति उम्मीदवार आते हैं, तो यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर जी को सबसे पहले फोन किया जाता है और उसके बाद कुछ देर के बाद कहा जाता है कि नहीं, वो तो कैंसिल हो गया मामला, आपको आने की जरूरत नहीं। लेकिन होता यह है कि दो घंटे के बाद फिर वहां से प्रेस वार्ता होती है और इस बार उनको सूचित नहीं किया जाता। तो ओम प्रकाश राजभर भी लगातार समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, जैसा कि उन्होंने बयान दिया, हम कहते थे तो समाजवादी पार्टी को बड़ा बुरा लगता था, हम कहते थे कि कोरोना काल में नहीं निकले, हम कहते थे कि जनता के बीच में आप नहीं जाते तो बड़ा बुरा लगता था। लेकिन आज उनके सहयोगी दल ने उनके ऊपर आरोप लगाया कि अगर आप एसी से बाहर नहीं निकलेंगे तो इसी तरीके से आपका जो जनाधार खत्म होता जाएगा, आप रोड पर नहीं निकलेंगे, आप जनता के बीच में नहीं जाएंगे। तो ये बातें बड़ी बुरी लग गई। और उन्होंने जवाब क्या दिया, उन्होंने जवाब दे दिया कि हमको आपकी नसीहत की जरूरत नहीं है। नसीहत की जरूरत नहीं थी तो सहयोग करने की क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी अपने उनके तालमेल बैठाने की, क्या जरूरत थी उनको सहयोगी दल बनाने की। लेकिन अहंकार जिसको कहा जाता है कि अहंकार जब सवार हो जाता है किसी के ऊपर, तो आपने देखा कि अभी लोकसभा के उपचुनाव में किस तरीके से आजमपुर और रामपुर जैसी सीट जो कभी कहा नहीं जा सकता था कि कोई वहां पर कब्जा भी कर सकता है, कहा यह जाता था कि अखिलेश यादव के परिवार का अगर नौकर भी उनके घर का कोई साइकिल का चुनाव निशान लेकर रामपुर और आजमगढ़ में चुनाव लड़ता है तो वो बड़े अंतर से जीतता है। लेकिन आपने देखा है कि वहां पर धर्मेंद्र यादव जैसे कद्दावर प्रत्याशी के, जो कि 5 बार चुनाव लड़ चुके हैं, 3 बार सांसद रह चुके हैं, उनके मुकाबले में हमारे नौसिखिया ही कहा जाएगा, लेकिन वहां पर किस तरीके से हमारे निरहुआ यादव जी किस तरीके से चुनाव जीतते हैं, क्योंकि जनता ने उनको जो है माना। जी हारने के बाद भी निरहुआ यादव लगातार आजमगढ़ में बने रहे और ये जीतने के बाद भी कभी आजमगढ़ में नहीं गए। तो जनता पूरी तरीके से जागरूक हो गई है और ये लगातार ओम प्रकाश राजभर भी समझ रहे हैं कि अगर हमको अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाना है तो समाजवादी पार्टी से दूरी बनाना पड़ेगा। चलिए हमारे साथ दयाराम भार्गव जी जुड़े हैं सुभाषपा से। दयाराम भाई आपको आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। जी दयाराम जी, क्या मानते हैं दोबारा रीएंट्री भाजपा, नातीबोरी में शामिल हुए, दोबारा एंट्री होगी या सपा गठबंधन बने रहेंगे? जी गौरव भाई जी, अभी समाजवादी के प्रवक्ता हमारे साथी जी जो है बड़ी अच्छी अच्छी बातें तारिक भाई कह रहे थे। तारिक भाई को अपनी गलतियों का सुधार मुझे लगता नहीं होगा जी। तो भाजपा को छोड़ दो, आप अपने चाचा के साथ क्या कर रहे हो पहले इसका जवाब दे दो। तो भाजपा तो एक अपना दल है, आपने डिनर में नहीं बुलाया, आपने मीटिंग में नहीं बुलाया, आपने उनके विचारों को नहीं समझा, आपने कह दिया हमें सलाह की जरूरत नहीं है। पहले अपनी बातों पे तो आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आप लोग अडिग रहो, या सारी गलती राजभर की है? आजमगढ़ के चुनाव में जो परदृश्य दिखाई दिया आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर ने बयां किया, अगर वो बयान वाकई में माननीय अखिलेश यादव को इतना नागवार गुजरा तो एक फोन कर करके चाय पे बुला लेते कि राजभर जी ये बातें आपको नहीं कहनी चाहिए थी, ऐसे नहीं ऐसे कहनी चाहिए थी, आपकी परिपक्वता दिखाती। लेकिन नहीं, आपने कौन सा ऐसा काम किया? तो राजभर जी ने आज भी डेट दे रखे हैं, राजभर जी ने साफ कहा है कि अभी भी आदरणीय अखिलेश यादव जी बताएं कि हम आपके गठबंधन में हैं कि नहीं है। इसीलिए उन्होंने 12 जुलाई का डेडलाइन दे रखा है कि भाई हमारे पास 6 विधायक हैं, समाजवादी गठबंधन के संयुक्त जो प्रत्याशी राष्ट्रपति यशवंत सिन्हा जी हैं, क्या उनको सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का वोट नहीं चाहिए या समाजवादी पार्टी उन वोट को नहीं चाहती? समाजवादी पार्टी क्या शिवपाल चाचा का वोट नहीं चाहिए? आप केवल बेइज्जती करने के लिए बैठेंगे? पहले अपनी बातों पे आप कायम रहे तारिक भाई, कि आपके आदरणीय अखिलेश यादव जी क्या कह रहे हैं उसको समझिए। अगर आप अपने सहयोगी दल को सम्मान नहीं दोगे तो अपमान भी मत करिए। आपने कहा विचारधारा, विचारधारा बताइए, अपर्णा यादव आपे की खानदान से क्यों बीजेपी में चली जाती है? अपने लोगों को आप नहीं रोक पाते, चाचा रूठे बैठे पड़े रहते हैं, पार्टी के स्वयं क्यों क्या नाम है विधायक है, किसी भी बैठक में उनको नहीं बुलाते। तो आप सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को मत दीजिए। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता कार्यकर्ता जो विधायक है सब जानते हैं, और हमें क्या करना नहीं करना हम सब जानते हैं।
अगर हमें सम्मान नहीं मिलेगा तो हम सम्मान। चलिए चलिए ठीक है दयाराम जी, ठीक है ठीक है। हमारे साथ संतोष यादव जी आरएलडी जुड़े हुए हैं। संतोष जी क्या मानते हैं कि अब आरएलडी क्या करेगी? आरएलडी भी आने वाले समय में इसी तरह गठबंधन छोड़कर चली जाएगी या साथ निभाएगी? हालांकि आरएलडी को तो पूरा यहां पर सम्मान दिया गया है। जयंत चौधरी जी डिनर में भी शामिल थे, जयंत चौधरी प्रेस वार्ता में भी शामिल थे और लगातार उनको सम्मान दिया जा रहा है। क्या मानते हैं यहाँ पर सुभाषपा और शिवपाल सिंह यादव जी के साथ जो बुलाया नहीं गया, उनको तवज्जो नहीं दी गई, कहाँ तक सही है? गौरव जी बात यह है कि देखो, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल दोनों एक विचारधारा की पार्टी हैं जी, दोनों लोगों की एक सोच है। और माननीय मुलायम सिंह जी को अगर आप देखेंगे तो वो चौधरी चरण सिंह के जमाने से, जब चौधरी साहब हमारे नेता थे, उस जमाने से उस विचारधारा पे चलने वाले नेता जी हैं। तो हमारी तो विचारधारा ही एक है, हमको तो अलग होने का कोई सवाल नहीं उठता है जी। रही बात सुभाषपा की और प्रसपा की, तो ये दोनों लोग बहुत ही जमीनी नेता हैं और जनता के दुख दर्द में शामिल होते हुए उनके विषय में बहुत कुछ जानते हैं, इसलिए मेरा उनके विषय में कुछ कहना ठीक नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि अंत में ये सुभाषपा और प्रसपा और राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी एक दो दिन में सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। अच्छा। ये छोटी मोटी बातें हैं, अच्छा। इधर उधर हो गई हैं, लेकिन ये अंत में, क्योंकि सबका उद्देश्य एक है, सबकी विचारधारा एक है, सब लोग जनता के मुद्दों को उठाने के लिए ही तो एक साथ हुए थे कि भारतीय जनता पार्टी, जो अभी मैंने सुना भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि साहब उनको नहीं रोक पाए, लेकिन बात आप सुनिए कि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो हमारे अडवाणी साहब को पीएम इन वेटिंग में ला करके छोड़ दिया। उसके बाद वो कहाँ हैं, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उनकी कोई खैर खबर लेने वाला नहीं है। और गठबंधन की बात करते थे, बसपा की सरकार थी, बहन जी की सरकार को गिरा करके भाजपा ने सरकार उत्तर प्रदेश में बनाया था, तो कोई भाजपा दूध की धूली थोड़े है। भारतीय जनता पार्टी तो इस तरीके की पार्टी है कि जिसको जब चाहती जहां चाहती है तमाम मुकदमे लिखवा करके दर्ज करा करके उसको दबाने का काम करती है। आपने इधर देखा होगा उत्तर प्रदेश में तमाम नेताओं के खिलाफ इस तरीके के मुकदमे दर्ज किए जाते हैं कि मतलब वो शर्म की बात है। इतने बड़े नेता के ऊपर आप बकरी चोरी का मुकदमा लिखा देते हैं, कहीं किताब चोरी का मुकदमा लिखा देते हैं। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद वो बेल पर आए हैं। तो मेरा ये कहना है कि देखो, ये किसी के ऊपर आरोप लगाना, कुछ कहना, ये एक अलग बात है। वास्तविक जो इस समय मुद्दे पे बहस होनी चाहिए कि भारत के राष्ट्रपति पद का चुनाव होने जा रहा है और वो एक ऐसा गरिमामय पद है जिसके विषय में ये विचार होना चाहिए कि हमको भारत का राष्ट्रपति इस तरीके का चाहिए, इस तरीके का राष्ट्रपति हमारा होना चाहिए कि जो विदेश में और देश में दोनों जगह जनता और नेता में सामंजस्य स्थापित करने का काम करे। आपने देखा होगा अभी जब 10% आरक्षण का मामला बना कि फॉरवर्ड ब्लॉक के लिए 10% आरक्षण बढ़ाया गया, उस विषय पे हमारे जो वर्तमान राष्ट्रपति जी हैं उन्होंने उस मुद्दे पर कोई विचार नहीं किया, न उस फाइल को वापस किया, रातों रात 10% आरक्षण बढ़ा दिया गया। तो राष्ट्रपति भारत का ऐसा होना चाहिए जो गरीब जनता के विषय में, जो बैकवर्ड के विषय में, जो दलित के विषय में, जो मुस्लिम के विषय में, अल्पसंख्यक के विषय में सोचे, उस तरीके के राष्ट्रपति की हमको जरूरत है जो अपनी बात सरकार के सामने भी कह सके। ठीक बात है कि प्रधानमंत्री का प्रस्ताव राष्ट्रपति को मानना पड़ता है, लेकिन ऐसा भी है कि प्रधानमंत्री के प्रस्ताव वापस भी किए गए हैं और यह कहा गया है कि पुनर्विचार इस पर किया जाए। तो इस तरीके के जो मुद्दे हैं, तो मेरा तो ये कहना है हमारे सिन्हा साहब जो भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं वो कहीं अलग से नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने निकाल दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी का ये कहना कि साहब ये कैंडिडेट अच्छे हैं, ये तो जो भारतीय जनता पार्टी के ही पार्टी से आए हैं उनको गलत आप कैसे कह सकते हैं? वो तो ऐसे आदमी हैं जो भारतीय जनता पार्टी को अपना पूरा जीवन निछावर किया है, आज वो राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हो गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनका विरोध कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे हिसाब से भारत का राष्ट्रपति या राष्ट्रीय लोकदल के हिसाब से, समाजवादी पार्टी के हिसाब से, भारत का राष्ट्रपति वो व्यक्ति को होना चाहिए जो भारत की गरीब जनता के विषय में इस तरीके से अग्रसारित करे कि हमारी भारत सरकार उस गरीब जनता के विषय में सोचने पे मजबूर कर दे कि वो गरीब जनता के लिए काम करें, ना कि पूंजीपतियों के लिए। ठीक है, हमारे से गजेंद्र त्रिपाठी जी जुड़े हैं राज्य विशेषज्ञ पे। गजेंद्र भाई, पूरा बात सुनिए, आपको पूरी घटनाक्रम पता है, कैसे बयानबाजी शुरुआत हुई,
कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाया नहीं गया, डिनर हुआ, और कल जब डिनर हुआ तो एक अलग तरह की पटकथा ने जन्म ले लिया। क्या मानते हैं, क्या जो निर्णय लिया गया है वहाँ पर जाकर लंच करने का, डिनर करने का, वो सही था? गौरव भाई, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि सपा ने स्टार्टिंग में ही कहा कि इस राजनीति को हम समझ नहीं पा रहे हैं। निश्चित तौर से ये अगर आप समझ जाते तो आज ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। राजभर जी के बारे में आपने कहा, राजभर जी अपने क्षेत्र में जमीनी हकीकत को समझते हैं, वहीं रहते ही हैं। वह ऐसा नहीं रहता है कि वो एसी में बैठे रहते हैं, जो बार बार वो कहते हैं सच कहते हैं, वह जमीन पे रहते हैं, और जमीन पे रहते हैं तो जमीन पे रहने वाला व्यक्ति अपनी बात को कहता है। और समाजवादी पार्टी के पास एक विचारधारा है, इस देश में समाजवाद को स्थापित करने के लिए संघर्ष करना चाहिए, जमीनी हकीकत को समझ करके जमीन पे उतरना पड़ेगा। अब भारतीय जनता पार्टी के घुगली में आप लोग फंस गए हो, एक आदिवासी क्षेत्र से एक योग्य महिला राष्ट्रपति की उम्मीदवार हैं, ऑप्शन बंद हो रहे हैं। जो आज बात आ रही है कि शिवपाल जी, राजभर जी आपसे बाहर जा रहे हैं, उसका कारण यही है कि वो देख रहे हैं कि एक आदिवासी क्षेत्र से एक महिला राष्ट्रपति की उम्मीदवार है और योग्य भी है। और जब ऐसी बातें आती हैं तो व्यक्ति अपनी आत्मा पर भी सोचता है जी। और पार्टी की विचारधारा यही है, जिन पार्टी पे आपने आरोप लगाया जी। और जो पार्टी आप हैं जी। हमें तो ये भी शक है कहीं समाजवादी पार्टी के विधायक अलग रूप में ना दिखें आपको जी। क्योंकि विचारधारा यही है, गरीबों की, लाचारों की, मजबूरों की बात करना जी। इस राष्ट्रपति चुनाव में इन्होंने अभी आरक्षण की बात कर दी जी। इस देश में योग्यता माने नहीं रखता है, जाति माने रखती है जी। योग्य व्यक्ति का कोई मतलब नहीं है आज, क्योंकि आरक्षण कैसे हो गया 10% EWS को? अरे वो गरीबी का आधार है, वहां उसी गरीबी के आधार को मान करके दुनिया में आरक्षण की व्यवस्था की जा रही है, तमाम तरह का सहयोग दिया जाता है जी। और राष्ट्रपति निश्चित तौर से, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि किसी एक पार्टी विशेष का नहीं होता है, वो देश का राष्ट्रपति होता है। लेकिन आज आप देखें, आपको दिख रहा है ना कि दो राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं, और ऐसा लग रहा है कि एक को कांग्रेस सपा मिलकर के लड़ा रही है और दूसरे को NDA और दल। लेकिन आपको, आप स्पष्ट रूप से समझ लें आप गौरव भाई जी, कि जो सबसे महत्वपूर्ण है जी, आदिवासी क्षेत्र से होना, ये पहली राष्ट्रपति है इस राष्ट्र की, इस देश की, और यह देश इस पे गर्व दिनों से जी। सभी लोगों को विचार करना चाहिए कि हम दुनिया में ये कहेंगे कि हमारे देश की राष्ट्रपति आदिवासी क्षेत्र से आती हैं और शीर्ष पर बैठी है राष्ट्र की, ये सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है, दयाराम जी कुछ कहना चाहते हैं? दयाराम जी, दयाराम भाई, दयाराम जी कुछ कहना चाह रहे थे? हमारे गजेंद्र भाई कह रहे थे जी, गजेंद्र भाई हमारे राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे कि ये छोड़ के जा रहे हैं जी। इनको जानकारी कहां से मिल गई भाई, हम गठबंधन छोड़ के जा रहे हैं? हमारा तो यही प्रश्न है जी, हमारा यही प्रश्न है, हम कहां से छोड़ के जा रहे हैं? हम समाजवादी के गठबंधन में हैं और रहेंगे, हमने कब कहा हम जा रहे हैं? हमारे तारिक भाई आके जो लंबी लंबी बातें कर दिए, हमको लगता है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बयानों को नहीं ये लोग समझ पा रहे। भैया गठबंधन धर्म में पहले सोच समझ के बात करिए। हमने 12 तारीख को बोला है, 12 तारीख से पहले अखिलेश जी बताएं हम आपके गठबंधन में हैं कि नहीं है जी। हम फिर बता रहे हैं, आप हमें बुलाएंगे नहीं, आप हमें सम्मान नहीं देंगे और आप डिनर करके अकेले खा जाएंगे, तो कम से कम जो भोजन है, भोजन तो किसी को भी खवाया जा सकता है। अब राजभर जी समाजवादी के गठबंधन में इतने रह गए कि आप भोजन पे भी नहीं बुलाएंगे, वार्तालाप में भी नहीं बुलाएंगे, तो ये कैसा गठबंधन है? गौरव भाई मैं कुछ कहूँ अब? बोलिए। गौरव भाई, सारे आरोप समाजवादी पे ही लगे हैं, तो टाइम आपको थोड़ा सा देना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए गजेंद्र भाई ने कहा कि बहुत अच्छी कैंडिडेट हैं, दोनों कैंडिडेट बीजेपी की हुए हैं,
और जो राष्ट्रपति की कैंडिडेट है उनके बारे में मैंने पढ़ा, बहुत संघर्षशील उनकी जिंदगी रही है, तारीफ जितनी की जाए कम, मैं बिल्कुल भी नहीं संकोच करूंगा। लेकिन गजेंद्र भाई मेरी एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा, क्या एसटी और एससी बनाने से, इससे पहले एससी प्रधानमंत्री बनाया था तो एससी की समस्या खत्म हो गई, एसटी की को बनाकर आप जो एसटी समाज की समस्या है, जो अभी सियोनी में मॉब लिंचिंग की गई, दो लोगों को मार दिया गया, आपके पास 350 सांसद हैं, गजेंद्र भाई आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, यही सवाल आप भाजपा से भी करिए कि एसटी का बनाने के साथ साथ आपने मॉब लिंचिंग पे कानून बनाया जो सियोनी में धक्का हुई थी, अभी गूगल पे सर्च कर लीजिएगा और उसके बाद मुझे जवाब जरूर दीजिएगा कि क्या सांकेतिक रूप से तो उनका मोराल उठाया जा सकता है, लेकिन एसटी के जो समस्याएं हैं, जो उनकी सीटें खाली रह जाती हैं, जो फॉरेस्ट में उनकी जमीनें ले ली गई, वो खत्म हो जाएगी, क्या इसका टारगेट ये नहीं है कि मध्य प्रदेश में 14% एसटी है तो वहां किसी तरीके से सरकार बना ली जाए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, वो टारगेट है, इसलिए आप राजनीति करके ऐसे लोगों को लाना चाहते हैं, लेकिन दिल की गहराइयों से दोनों कैंडिडेट का सम्मान है, दोनों उन्हीं के हैं, लेकिन फिर भी हम सम्मान करते हैं, बीजेपी में इतनी ताकत नहीं है कि वो कह सके कि हम जसवंत सिन्हा साहब का सम्मान करते हैं। गजेंद्र साहब आप मेरी जवाब दीजिएगा, अब मैं बीजेपी के साथी का जवाब दे दूं, उन्होंने कहा कि हमने गठबंधन को छुरा भोका, हमेशा गठबंधन कभी निभाया नहीं, ओ वेरी गुड भाई, आपने टीएमसी के साथ बड़ा गठबंधन निभाया, 50,000 साल तक आपका टीएमसी के साथ गठबंधन चला, पीडीपी के साथ 5,000 सालों तक आपका गठबंधन चला, शिवसेना के साथ 2,00,000 सालों तक आपका गठबंधन रहा, भाई मुबारकबाद आपको, आरएलडी के साथ तो आपने मतलब 3-4 जन्म लिए गठबंधन के, उसके बाद फाइनली अकाली दल आकर आपने 500 पुनर्जन्म लिए उनके साथ गठबंधन के, आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, 14-14 पार्टियों के साथ सरकार बनाने वाले आज गठबंधन की बात कर रहे हैं, वाह भाई आप सत्ता में हैं, कर सकते हैं, खैर सत्ता वालों को तो हर चीज का अधिकार है। सुभाषपा के मेरे भाई ने शिवपाल जी की बात की, देखिए भाई आप हमारे साथी, आपको कुछ कहना है आइए बैठिए कह दीजिए, हम तो ये कहेंगे कि कहने के साथ साथ जो कुछ कहना हो कह के चले जाइए, लेकिन घर की बात है, घर में रहे बाहर न जाए, जब बाहर आएगी तो हम जवाब देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बोले तो भाई क्या हिंदुस्तान की राजनीति में ये पहली बार हो रहा है? भाई बोल तो, कंप्लीट कर रहा हूँ, कंप्लीट कर रहा हूँ, जी जी बोलिए तारे भाई। दयाराम भाई बोल तो रहे थे चाय पे बुला लेते, चर्चा कर लेते, मना कर देते, किस तरह बयानबाजी ना करें, पर चाय पे तो बुलाया नहीं। तारे भाई आपको आवाज आ रही है सर? तारे भाई आवाज आ रही है आपको? चलिए चलिए हमारे समझी जी आपने आवाज सुनी है? तारे भाई कुछ बोल रहे थे, समझी जी आवाज जवाब दीजिए जी। जी बताइए, जरूरी नहीं समझे, पहले अपना ओम प्रकाश जवाब दे, ओम प्रकाश यादव इनको जवाब दे, ये शिवपाल यादव को जवाब, शिवपाल यादव इनको जवाब दे, लोग अपना आपस में बातचीत कर रहे हैं, ऊपर आरोप लगा रहे तो के बस की बात है ही, विपक्ष लेकर अपना तलाश कर रहे हैं। हमारे का जो चुनाव होगा तो उसमें पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है 80 सीटों का, उसके पहले राष्ट्रपति का जो चुनाव है, अगर राष्ट्रपति का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो 2024 का रास्ता हमारे लिए और प्रशस्त हो जाएगा। ये लोकसभा के उपचुनाव में भी आपने देखा जिस तरीके से दोनों सीटें हम जीते हैं, तो ऐसे ही समाजवादी पार्टी को हमने जो है तो बिल्कुल जमीन पर से नीचे गिरा दिया, उनकी जो जमीन ही हमने छीन ली है, तो हताशा उनके अंदर उनके कार्यकर्ताओं में है। अब जो भारतीय जनता पार्टी की कॉपी कर रहे हैं, अब वो जनता के बीच में जाने की बात कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि घर घर जाके मेंबर बनाएंगे, अब कह रहे हैं कि 1 करोड़ का टारगेट रखेंगे, तो ये सब चीजें वो भारतीय जनता पार्टी की कॉपी कर रहे हैं। बड़ा दल देखिए, कांग्रेस पार्टी जैसे लोगों को जो है तो जमीन नहीं तलाश, जमीन नहीं मिल पा रही, यहाँ पर उनको प्रत्याशी नहीं मिल पा रहा है, संगठन नहीं खड़ा हो पा रहा है, तो समाजवादी पार्टी कहाँ से खड़ी हो पाएगी? समाजवादी पार्टी जो है वो कभी समाजवादी पार्टी हुआ करती थी जब जनेश्वर मिश्रा जैसे लोग, जब शिवपाल यादव जैसे लोग, जब मुलायम सिंह यादव जैसे लोग समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे। आज जो है समाजवादी पार्टी न होकर सिर्फ और सिर्फ अखिलेशवादी पार्टी रह गई है। अखिलेश जी के मन में जो समझ में आता है वो अकेले करते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने संगठन के लोगों से और अपने जो सहयोगी दल है उनसे भी अपना कह दिया कि आपकी नसीहत और आपकी राय की हमको जरूरत नहीं है, जबकि ये बार बार सुहेल देव के लोग जो है बार बार अपमानित हो रहे हैं, बार बार इनका तिरस्कार किया जा रहा है और बार बार बयान भी दे रहे, उसके बाद भी इनको उम्मीद है कि भाई हमको जो अखिलेश यादव बुला के लगा ले। अभी आपने देखा कि वो खुद ही कह रहे हैं कि हम जो है तो तरीके से डिनर खाने के लिए चले, भोजन करने के लिए चले गए, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि के लिए हमको बुलाया नहीं जाता। तो इन लोगों की मानसिकता राजनीति जो है
सकते हैं कि अभी जनता पार्टी का मुकाबला है तो इन चुनाव प्रचार संगठन बनाए टिकट वितरण कमेटी बनाई स्टार प्रचारकों की टीम बनाई ऐसा काम नहीं है जिसमें कि जितने लोगों की राय की जरूरत पड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी लगातार मजबूत इस वजह से होती जा रही है क्योंकि वो जनता के बीच में जाकर जनता के हितों का काम कर रही है। हम अपने सहयोगी दलों को आपने देखा कि हमारा सहयोगी दल जो भी रहा चाहे अपना दल रहा हो चाहे संजय निषाद जी समझी भाई पर यहाँ पर तारिक भाई ने आप पे आरोप लगाया है कि बीजेपी के ने किसी भी गठबंधन को नहीं निभाया है और कटाक्ष कर रही थी 5-5 हजार साल आपने गठबंधन निभाया है इसी गठबंधन को लेकर सपा पे आरोप लगा रहे हैं। अपना दल हमारे अनुप्रिया पटेल कितने दिन से हमारे साथ है चंद्र निषाद जी हमारे यहाँ कितने दिन से हमारे साथ है हमने किनको जो दरकिनार कर दिया। हाँ हमने एक एक बड़बोले को किनारे जरूर किया है वो ओम प्रकाश राजभर जी थे जिनको हमने सम्मान दिया जिनको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया था लेकिन उनको ये लग रहा था कि उनके बड़बोले बन की वजह से वो कुछ भी बोलते जाएंगे और उनका प्रमोशन होता जाएगा। आपको पता है कि अच्छे तरीके से पूर्वांचल के माफिया का संरक्षण उनको है और जब वो उनका दबाव बनाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास जाते हैं तो वहां से उनको खारिज कर दिया जाता है। भाई मेरी आवाज आ रही है पार्टी सरकार तो ये हमने किया लेकिन और उसके बाद आप देखिए संजय निषाद जी हमारे साथ लगातार बने हुए अपना दल हमारे साथ लगातार बनी हुई है हमने किसी के साथ धोखे वाली कोई राजनीति नहीं करी है। चलिए तारे भाई जवाब दीजिए फिर संतोष जी को लेते हैं। अरे भाई आप हमसे कह रहे थे कि आप अपने गठबंधन को संभाल के नहीं रख पाते तो मैंने यही पूछा था कि आपने टीएमसी पीडीपी शिवसेना आरएलडी अकाली इनको कितना संभाला था तो वो चलिए खैर ठीक है। देखिए इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए जिसमें आप खुद ही फंस जाएं। मुझे लगता है कि गठबंधन तो बनते ही इसीलिए है परिवर्तन तो प्रकृति का ये एक नेचर का तरीका ही है आ सकते हैं लेकिन आए भी सम्मान के साथ और अगर जा रहे हैं तो जाए भी सम्मान के साथ। सुभाषपा अपने आप में एक पार्टी है और अभी हमारे आरएलडी के प्रवक्ता ने कहा कि ये जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। हम बिल्कुल मानते हैं कि ये जमीन से जुड़े हुए लोग हैं लेकिन अगर कोई मन मिटाव है अब आप चले जाएंगे उम्मीदें इतनी ज्यादा हैं आपकी उसके बाद आप मीटिंग में भी चले जाएंगे वहां पर और जब प्रधानमंत्री का ऐसे तो मैं कहूँ मीटिंगें बहुत होती है स्वतंत्र देव सिंह साहब मुलायम सिंह से मिलने आते हैं उस संपर्क टूट गया है। संतोष जी कुछ गौरव भाई जी बोलिए बोलिए गौरव भाई जब सर के ऊपर चुनाव हो राष्ट्रपति का और आप वहां चले जाएंगे अब यहां बुलाया गया नहीं बुलाया गया अभी वही बात कही जाएगी तो भी कुछ मौका दे दीजिए सब तारीख ही भाई बोलेंगे जी बोलिए बोलिए आप यहां बुलाया गया नहीं बुलाया गया पहले से एक कैंडिडेट है और कैंडिडेट बहुत मजबूत कैंडिडेट है उस चीज के बारे में भी जरूर सोचना चाहिए। चलिए चलिए संतोष जी कुछ कहना चाहिए संतोष भाई कुछ बोलिए बोलिए। मैं गजेंद्र जी की एक बात का जवाब देना चाहता हूँ जो 10% आरक्षण की बात मैंने की बड़ी बुरी लग गई गजेंद्र जी को जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ जब से इस दुनिया में सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी का जन्म हुआ है जी। तब से त्रिपाठी जी विश्व गुरु हैं जी ठीक है और इनको आरक्षण की जरूरत है और जो लोगों को इस धरती पर पानी पीने से मना किया गया जमीन पर बैठने से मना किया गया जिनको इस दुनिया में रहने के लिए स्थान नहीं मिला उनको अगर आरक्षण मिलता है तो क्यों बुरा लगता है भाई जी। उनको तो आरक्षण मिलना चाहिए 50% तो पहले से आपका आरक्षण था फॉरवर्ड का 50 में सब लोग थे 10 और आपने ले लिया तो आपका आरक्षण तो 60% हो गया जी। अब तो 40 में हम लोग रह गए जी। तो आपको बुरा क्यों लगता है आपका तो 60% आरक्षण हो गया है। अब रही बात इस गठबंधन की और राष्ट्रपति चुनाव की तो मेरा ये कहना है कि देखो राष्ट्रपति का चुनाव एक गरिमामय पद का चुनाव है और सिन्हा साहब बहुत बहुत ही योग्य आदमी है। सिर्फ बात इसलिए कि कोई आदमी आदिवासी से आता है इसलिए वो योग्य है ऐसा कुछ नहीं है। अभी योग्यता की बात त्रिपाठी जी ने की थी मैं उसी बात को दोहराना चाहता हूं कि योग्यता अगर है तो सिन्हा साहब में योग्यता क्यों नहीं है भाई जी।
वो भी योगी आदमी है, वो भी आईएएस अधिकारी रहे हैं, मंत्री रहे हैं, इस देश में संचालन में उनका तमाम बार अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में वो मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे हैं, तो उनकी भी तो एक क्वालिफिकेशन है, उनकी भी एक योग्यता है। तो अगर योग्यता की ही बात आती है तो सिन्हा साहब क्यों नहीं? मेरा तो यह कहना, अगर योग्यता की बात आती है, योग्यता का ही चुनाव होता है इस देश में, तो फिर सिन्हा साहब का चुनाव होना चाहिए। वो योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको देश चलाने का, संचालन करने का मौका है। खाली इसलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के चले आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को उन्होंने पसंद नहीं किया है, तो इसलिए उनको राष्ट्रपति नहीं होना चाहिए? नहीं, मैं कहता हूं कि सिन्हा साहब को इस देश के संचालन में उनका योगदान रहा है, वो अपनी आईएएस की नौकरी छोड़ के आए हैं, उन्होंने बिहार से अपनी राजनीति शुरू की है, तो वो तो गरीबों के मसीहा हैं एक प्रकार से, अपनी नौकरी छोड़ के उन्होंने जनता की सेवा करना शुरू किया। तो जो व्यक्ति ने अपनी नौकरी, आईएएस की नौकरी छोड़ के जनता की सेवा का काम करने का शुरू किया है और उन लोगों के बीच में आए हैं जो जमीन से जुड़े लोग हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे प्रसपा हो, चाहे सुभाषपा हो, इन लोगों के साथ में अगर वो आके बैठे हैं, उनके साथ डिनर किया है, लंच किया है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अब रही बात जैसे वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति साहब हैं, तो वो भी तो दलित से ही हैं, कौन कह रहा नहीं भाई। तो ये बात बिल्कुल सही है कि क्या दलित बिरादरी के लिए उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में कुछ किया, या दलित बिरादरी का कोई लाभ उन्होंने दिलाया, या पूरे 5 साल में एक भी प्रश्न चिन्ह कहीं पे लगाया सरकार के ऊपर कि सरकार दलितों के साथ इस तरीके से अत्याचार कर रही है, या सरकार जो है दलितों का आरक्षण काट रही है? तो मेरा ये कहना है कि योग्य आदमी अगर सिन्हा साहब भारत के राष्ट्रपति होते हैं तो वो सबकी बात उठाएंगे। पर यहाँ पर संतोष जी, सबकी बात उठाएंगे। हमारा ये है जी कि आरएलडी सपा के साथ में है, वो आरएलडी को पूरी तवज्जो दी गई, पर जो साथी गठबंधन है प्रसपा सुभाषपा, उनको तवज्जो नहीं दी गई। नहीं, हमारा मुद्दा ये है, तो यहाँ पर गठबंधन में सेल, मेरा ये कहना है कि देखो, यहाँ प्रसपा के तो कोई नहीं है, लेकिन सुभाषपा के प्रवक्ता जी बैठे हैं जी। और मैंने अपने पहले संबोधन में कहा था कि भाई देखो, ये जमीन से जुड़े लोग हैं, ये जमीनी मुद्दा उठाते हैं, इनके बिना इस देश में, मैं तो कहता हूं कि सुभाषपा हो, प्रसपा हो, सपा हो, आरएलडी हो, इस देश में किसानों की, नौजवानों की बात कौन उठाएगा जी। तो सुभाषपा बिल्कुल, मेरा तो ये मानना है कि ये आज नहीं तो कल एक दो दिन में ये बात तय हो जाएगी, सुभाषपा, प्रसपा, राष्ट्रीय लोकदल और ये सपा, ये सब लोग एक साथ मिलकर, बिल्कुल बिल्कुल, मेरा तो बिल्कुल 100% मानना है कि अच्छा, कोई अलग होके गठबंधन से नहीं जा रहा है। अच्छा, जैसा कि प्रसपा के प्रवक्ता ने भी कहा कि मेरा तो अभी तक मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा कि मैं जो है गठबंधन तोड़ रहा हूँ। किसी के दावत में जाना, आप हमको दावत में बुला लें, हम आपके यहाँ चले जाए, तो ये कौन सी बात है कि हमने गठबंधन तोड़ दिया? अरे दावत जाना कौन सी बड़ी भारी बात है, बुला लिया भाई, दावत में थे, कोई गठबंधन नहीं तोड़े हैं, आए थे बस होने के लिए। ऐसे ही ऐसे नेता जमीन में दावत पे चले जाते हैं और एक जगह वो उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमको चाय पे नहीं बुलाया जा रहा है। तो यही था, आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी सबका सम्मान करती है, जहाँ जिसको चाय नसीब न हो रही हो, अगर उसको बुलाकर भोजन दे दिया जाए तो उसके लिए बड़े सम्मान की बात है। हम अपना राष्ट्रपति का चुनाव पे हमारे इस वक्त ध्यान है और हम पूरी कोशिश यही कर रहे हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव जो द्रौपदी मुर्मू, जो की एक आदिवासी कबीले से आती उड़ीसा की रहने वाली, गवर्नर भी रह चुकी है, हम एक ऐसा चेहरा लेकर आए जिनके ऊपर कोई दाग नहीं है, कोई आरोप नहीं है, और उसका सभी समर्थन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। जो ओमप्रकाश राजभर और सतपाल सिंह यादव और रघुराज प्रताप सिंह राजभर का स्वागत है एकदम, ये समझ लीजिए कि जिस वजह से मीटिंग रखी गई थी, स्वागत है, नहीं है कि हमारे दल में भी आते कि नहीं आते हमारा, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में इन लोगों का समर्थन पूरी तरीके से हमको मिलेगा और यकीनन मिलेगा, क्योंकि शिवपाल यादव जी ने भी इसके पहले भी कह दिया था कि मैं जिसके साथ रहता हूँ वो जीतता है, और उन्होंने जो है तो साफ संकेत भी दे दिया, और मीटिंग में चलाकर ओम प्रकाश राजभर जी को ले आकर जो है दोबारा से एक मैसेज दिया है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट करूंगा। अब वो बात की बात है कि वो हमारे सहयोगी बनते हैं कि नहीं, संगठन में आते हैं कि नहीं, हमारे साथ समझौता करते हैं कि नहीं करते 2024 में, वो मुद्दा बात का, लेकिन अभी 2024 में ओम प्रकाश राजभर भी हमारे साथ है और हो सकता है कि शिवपाल यादव जी भी हमारे साथ है, क्योंकि इनकी उपेक्षा की जा रही है, इनको लगातार तिरस्कृत किया जा रहा है, इनको लगातार अपमानित किया जा रहा है। चाय के लिए बताइए, कहा जा रहा है कि अभी तक चाय नहीं पिलाई गई है, तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि एक सहयोगी दल का आदमी जो 6 विधायकों को लेकर टहल रहा है, उसको जो आप चाय नहीं पिला रहे, तो ये बड़ी शर्म की बात है। तारिक भाई, समझी भाई की आवाज सुनी आपने, बात सुनी? जी सुनी सुनी। जी, कहना है, कहना है कि भाई आए हैं और समर्थन दे रहे हैं, और जब ये समर्थन वहां दे देंगे तो आपका सहयोगी दल कहाँ गए फिर? अगर समर्थन वहां दे दिया मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू जी को, तो आपका सहयोगी दल कैसे हुए? सहयोगी दल कैसे मान सकते हैं सहयोगी दल है आपके? नहीं बिल्कुल, अगर समर्थन वहां देते हैं तो नहीं होने चाहिए। मैंने यही सवाल उठाया कि अगर आप ऐसे टाइम पे
कि जब चुनाव सर पर हो, अगर चुनाव ना होता, मैंने उदाहरण भी दिया, राजा भैया मुलायम सिंह यादव से मिलने जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समाजवादी का विधायक, मान लेते हैं मैं विधायक बन जाता समाजवादी से, मैं माननीय योगी जी से मिलने जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो हमारे मुख्यमंत्री है, हम विधायक है, हम बिल्कुल मिल सकते हैं। मगर ऐसे टाइम में जब चुनाव सर पर है और वो यहाँ वोट ही मांगने आई, वो यहाँ पर ऐसा ही नहीं आई थी। जो दो राष्ट्रपति के कैंडिडेट है, दोनों सम्मानित है, ये बीजेपी में हिम्मत नहीं होगी अपने ही उसको कहने की कि वो सम्मानित है, लेकिन ये सिर्फ समाजवादी विचारधारा ये बात कह सकती है कि दोनों सम्मानित है, कि उनको उनको भी आप वहां जाएंगे डिनर करेंगे तो उसको पॉजिटिवली नहीं, मैं तो नहीं लूंगा पॉजिटिवली, मैं उसको निगेटिव डायरेक्शन में लूंगा, ये संकेत है। तारिक भाई, तो डेडलाइन जो सुभाषपा वालों ने दी है 12 जुलाई की, तो उसके पहले उनको मनाने जाएंगे नहीं जाएंगे? देखिए, ये निर्णय तो भाई जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो लेगा, लेकिन हम आखिरी दम तक कोशिश करेंगे कि जो गठबंधन है वो बना रहे, एक अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ हम आने वाले लोकसभा में जाएं। मगर फिर भी अगर ये इस बात पे, और जैसे अभी इंडिकेशन जो मिला है वो अच्छा नहीं है, इंडिकेशन मिला है आप सर पे चुनाव है, आप जा रहे वहां मीटिंग में, आपने क्या बात की वो तो सार्वजनिक की नहीं जाती है कि क्या बातें कहेंगे, ऐसे ही बिल्कुल बोले हैं। पर सिपाल जी ने तो कहा है कि समाजवादी पार्टी में हमको सम्मान नहीं मिलता, कोई पूछता नहीं है। हाँ, सुन लीजिए, जैसे जिस तरीके से बंद कमरे की मीटिंगों को बाहर नहीं लाया जा सकता, लाया जाता है, या तो यही जो अभी मुर्मू जी ने मीटिंग की है, वहाँ डिनर किया है, जनसभा कर देते हैं उसकी जगह। भाई, बंद कमरे में बातें होती है, कुछ गोपनीय बातें होती है, यही बातें तो उम्मीद कर रहे थे हम कि एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार के बाद ओपी राजभर जी को कम से कम ये बात समझ में आएगी कि एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसके पीछे जो मुख्यमंत्री रह चुका, 110 विधायक जीते हैं जिसके पीछे, आप बार बार उसको कहते जा रहे हैं आप आइए, उसने तो आपको बहुत ज्यादा सम्मान दिया था, उन्होंने मैंने देखा है कितना सम्मान दिया है, सम्मान की असीम ऊंचाइयां थे, लेकिन ये आहत करेगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि यहां पर ईगो की बात है, लेकिन अगर ऐसा किया जाएगा, मैं अपने आप को मान लू तो आहत होगा। चलिए, ऐसा करने दयाराम भाई कुछ कहना चाह रहे, दयाराम भाई बात पूरी करिए। गौरव भाई, मैं आपके माध्यम से तारिक जी से बात करना चाहूंगा, अगर मुझे जवाब दे। मैंने बार बार कहा है गठबंधन धर्म में, गौरव भाई मैं आपके माध्यम से तारिक, उत्तर प्रदेश में अगर यूपीए के उम्मीदवार राष्ट्रपति होना है, उसको वोट चाहिए, तो आप 5 जुलाई को समाजवादी कार्यालय से फोन आता है कि राजभर जी यूपीए के घटक दल के जो उम्मीदवार है वो आ रहे हैं, 7 तारीख को जो है आप मीटिंग में रहिएगा, और 7 तारीख को फिर 2:10 बजने से मतलब 9:30 बजे के आसपास फोन आता है कि मीटिंग कैंसिल हो गई है। दोनों भाई बड़े मजे की बात देखिए, समाजवादी कार्यालय से राजभर के पास आता है कि राजभर जी मीटिंग कैंसिल हो गई। चलिए, राजभर जी ने अपने 6 विधायकों के साथ में लखनऊ में 10 बजे से बिल्कुल बैठे हैं, चलो कैंसिल हो गया, अभी बुलाया जाएगा। आपके मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि बैठक हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। अब आप बताइए तारिक भाई, हमको आप लक्ष्यदार भाषण जो दे रहे हैं, सुरेंद्र भारतीय समाज पार्टी को नसीहत मत दो भाई, इसलिए नसीहत मत दो कि यह समाजवादी पार्टी नहीं है, सुरेंद्र भारतीय समाज पार्टी का प्रवक्ता कार्यकर्ता बोल रहा है। मैं स्वयं आजमगढ़ के चुनाव में 3 विधानसभाओं में था, और आप जो कह रहे हैं राजभर जी ने बोला, मैं आपको जानकारी दे दूं, चले जाइएगा आजमगढ़ के 3 विधानसभाओं में, सेक्टर में, बूथ में, गांव में मैंने जाने का काम किया, कम से कम मैं 12 दिन में ज्यादा नहीं तो 70-80 गांव में जाने का काम किया, ये मैं बता रहा हूँ। वहां समाजवादी पार्टी के जो सेक्टर के थे, बूथ के नेता थे, अध्यक्ष थे, या जो भी विंग के नेता थे, वो कहते थे भार्गव जी जिस तरह सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी अपने कार्यकर्ताओं को हुजूम और ताकत देने के लिए हमारे बीच में है, अगर इसी तरह समाजवादी पार्टी के आदरणीय अखिलेश यादव जी हम लोगों के बीच में होते तो हमारी जो मानसिकता गिरी हुई हमें ऊर्जा आती, तो उन बच्चों ने क्या गुनाह किया? यानी कि पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो भूमिका थी और समाजवादी कार्यकर्ताओं की जो मांग थी, अगर राजभर जी ने इस चीज को बयान दे दिया कि एसी से निकल करके बाहर आइए, क्या गुनाह कर दिया? हम कितने वोट से आ रहे हैं? हम 85 वोट से आ रहे हैं, 88,500 वोट से। आपको जानकारी होना चाहिए अगर अखिलेश यादव जी आ जाते उस सीट को हम 20+ से जीत जाते। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि हमने गांव गांव का धूल फांका है, और गांव में जाकर के हमने जो जोशो खरोश देखा वहां पे युवाओं में और क्या नाम मतदाताओं में, वो मैंने महसूस किया है। बैठ करके आप कमरे में जो लबालब बात कर रहे हैं ये ठीक नहीं है तारिक भाई। मैं कहता हूँ सुरेंद्र भारतीय समाज पार्टी, सुरेंद्र भारतीय समाज पार्टी जमीनी कार्यकर्ता है, हम जमीन की बात करते हैं, हम दबे कुचले आयोग की बात करते, वंचित समाज की बात करते, हम गरीब की बात
आदरणीय ओम प्रकाश राजभर सदन में होते हैं तब भी 403 विधायकों में मुखर होकर हर बात को रखते हैं। बताइए समाजवादी पार्टी के अभी आप क्या नाम एससी और एसटी की बड़ी जबरदस्त बात कर रहे हो, आप बताइए जब ओबीसी के और एससी का क्या नाम है शिक्षा में जाओ क्या नाम है उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, समाजवादी पार्टी का कौन सा विधायक साथ दिया ओम प्रकाश राजभर का, बताइए हमको आप किस समाजवादी पार्टी के विधायक ने समर्थन दिया जब उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, 68,500 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, 12,365 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, बताइए तारिक भाई। और लच्छेदार भाषण करने से नहीं चलेगा, जमीनी काम करना पड़ेगा। ये समाजवादी पार्टी जो है मुलायम सिंह की देन है, ये अखिलेश की देन नहीं है। अगर इसी तरह घटक दल को आप नाराज करते रहेंगे, घटक दल को नहीं बुलाएंगे, घटक दल आपके साथ नहीं रहेगा। भाई मेरा कहना आपसे है कि जैसे कि शिवपाल सिंह यादव जी हमेशा डेट देते रहते रहे, तारीख देते रहते रहे, हमको बुलाया जाएगा, हम समय दे रहे हैं, तो आप भी ऐसे समय देते रहेंगे 12 जुलाई तक या उससे आगे बढ़ जाएंगे? नहीं, हम शिवपाल देखे आदरणीय शिवपाल यादव जी जो है देखो जमीनी कार्यकर्ता भाई, मैंने फिर कहा तारीख वो भी देते ना, तारीख देते थे, हम इंतजार करेंगे तारीख वो भी देते थे। शिवपाल शिवपाल चाचा की जो कहानी है गौरव भाई को समझिए, शिवपाल चाचा की जो कहानी है चूंकि समाजवादी पार्टी के ही तो नेता कार्यकर्ता रहे। आप देखिए आदरणीय मुलायम सिंह के अगर बहुत ज्यादा विश्वसनीय और उनके सहयोगियों दलों ने उनको राजनीति में आगे ले जाने का काम किया हो तो वो शिवपाल यादव है। शिवपाल यादव मुलायम सिंह के कपड़े धोते थे, प्रेस करते थे, नेताजी कौन सा कुर्ता पहनेंगे, कैसे चलेंगे। हमारे संतोष यादव जी आरएलडी के बैठे हुए, उन्हें खूब जानकारी होगी कि शिवपाल यादव की समाजवाद को बढ़ाने में कितनी बड़ी भूमिका है। ये अखिलेश यादव जी भूल गए, अखिलेश यादव को उन्होंने गोदी में खिलाया है, ये अखिलेश यादव जी भूल गए। जब जो अपने चाचा को नहीं मना सकता तो आप राजभर पे कमेंट मत करिए भाई, माफ करिए, कमेंट करने का समय नहीं रह गया आपके पास। पहले गजेंद्र भाई को जवाब दीजिए, फिर तारिक भाई को लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि ऐसे उम्मीदवार दे दिए गए हैं कि समय के अनुसार गठबंधन बनते और बिगड़ते हैं जी। और आप देखेंगे इसी मंच पर फिर हम लोग डिबेट पे आएंगे जी। और चाहे शिवपाल जी हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हैं जी। ये दोनों लोग आदिवासी क्षेत्र से आने वाली महिला राष्ट्रपति उम्मीदवार को ही वोट देंगे, ये स्पष्ट रूप से जान लें। आप इस मंच पे कह रहा हूं मैं जी। दूरियां बहुत बढ़ गई हैं, अच्छा इसको अब समेटा नहीं जा सकता है जी। केवल भारतीय जनता पार्टी के तरफ से एक हिंट नहीं मिल रहा है इनको, हिंट मिलेगा उसी दिन ये तुरंत ही शिफ्ट हो जाएंगे, ये आप जान लें। वो 12 तारीख 10 तारीख 15 तारीख डेट वोट नहीं मिलने वाला है, केवल हिंट का इंतजार हो रहा है जी। एनीवे जहां तक बात है शीर्ष की जी। उस आदिवासी क्षेत्र के महिला से आने से क्या लाभ होगा राष्ट्र को जी। इसको भी समझने की जरूरत है। उस क्षेत्र के अन्य लोग इस संघर्ष के पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे और संघर्ष करेंगे। ओम प्रकाश राजभर जी की क्या मांग रहती है, गरीब लाचार मजबूर मजदूर की बात करता हूं, पूरब के क्षेत्र में क्यों जाने जाते हैं वो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे आप हो, दोनों लोग उनको बैठाने के लिए राजी रहते हैं, मौका चाहिए बस केवल दोनों लोगों को आप लोग। और मेरे ख्याल से अब वो इस्तेमाल होना बंद करेंगे, अब वो इस्तेमाल नहीं होंगे। सिर्फ की बात जो आपने कहा, जिस दिन उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती है, एसटी एसटी गरीब लाचार मजबूर जानता है कि मेरे साथ अन्याय नहीं हो सकता, यदि अन्याय होगा तो मायावती जी बकसने वाली मुख्यमंत्री नहीं है। तो शीर्ष का बहुत बड़ा मतलब होता है, शीर्ष पर कौन बैठा है, सत्ता के शीर्ष पर जो रहता है वो दिखता है, वो बोलता है। अभी आपने कहा आरएलडी से कि आपने 10% रिजर्वेशन मतलब 60% आपने ले लिया, भाई गजब क्या ज्ञान है, 50% में से 10% दिया गया है, उसी 50% में से ईडब्ल्यूएस के नाम पे दिया गया है। दूसरे जो बच्चे सुपरसीड कर रहे हैं, चाहे ओबीसी के बच्चे हों चाहे एसटी एसटी के बच्चे हों, जो जनरल में आकर के सुपरसीड करते हैं उनको भी जगह मिलती है, वह पूरा ओपन है, वो किसी एक का थोड़े ना, तमाम ओबीसी के बच्चे
जनरल के सीट में आते हैं भाई, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो एक ओपन है, सबके लिए है, ये रिजर्वेशन है, इसको भी समझने की जरूरत है। और मैं रिजर्वेशन के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि रिजर्वेशन लाचार मजबूर को होना चाहिए, गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को होना चाहिए, इसकी बात हो रही है। और शीर्ष पर बैठे हुए लोगों का सम्मान होना चाहिए। देखिए जो आपने कहा दोनों कैंडिडेट योग्य कैंडिडेट है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक ऐसा कैंडिडेट जिसका सब्स्टिट्यूट ये कैंडिडेट नहीं हो सकते, जसवंत सिन्हा, इसको आप जान लें। ठीक, संतोष भाई अपनी बात पूरी पे तारिक भाई को लेते हैं। संतोष जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो त्रिपाठी जी बता रहे हैं, भारतीय संविधान में ये कहीं व्यवस्था नहीं दी गई थी कि आर्थिक आधार पर कोई आरक्षण होगा। आरक्षण जो होगा जो सामाजिक रूप से पिछड़े लोग होंगे, जो दलित होंगे, इस तरीके के लोगों को आरक्षण दिया जाएगा जिनका सामाजिक स्टेटस कोई नहीं है। त्रिपाठी जी चाहे जितने आर्थिक रूप से पिछड़ जाएं लेकिन हमसे ऊपर तो हमेशा रहेंगे। क्यों रहेंगे? रहेंगे आप। संविधान में क्या व्यवस्था हमारे? संविधान में ही यही व्यवस्था, मुझे आप बता दें कि संविधान में कौन सी व्यवस्था ऐसी है? संविधान में इस बात की व्यवस्था दी गई है, बताएं, कि आर्थिक रूप से, अरे मैं जो पूछ रहा हूँ कि गजेंद्र त्रिपाठी कैसे कैसे रहेंगे अपर कास्ट, ये बताइए। अपर कास्ट को है कैसे? अरे कैसे कोई संविधान में बताए ना, कोई एक लाइन बता दे। आप तो संविधान की एक लाइन बता दे कि इसमें लिखा हुआ है कि अपर कास्ट में लोग आते हैं। बीच में आप बोल रहे हैं, बताए, बीच में नहीं बोल रहा था, बताए। संविधान में एक अनुसूची दी गई है और उसमें कास्टों के नाम दिए गए हैं कि कौन सी कास्ट जो है बैकवर्ड में होगी, कौन सी कास्ट दलित में होगी, कौन सी ओबीसी में होगी, कौन सी जो है उसमें होगी, जो भी जातियां आती हैं, बाकी जातियां फॉरवर्ड होंगी। तो आप तो उसमें आ ही रहे हैं, उसमें लिखने की क्या जरूरत है? 1990 से पहले, 1990 से पहले बीपी सिंह के कार्यकाल से पहले आप भी जनरल में थे जी, जी। तो क्या संविधान के निर्माता उस समय अंबेडकर जी इस चीज को भूल गए थे क्या आपके लिए? अरे आप अगर आप आते हैं व्यवस्थाओं में बात करते हैं, बण लेकर व्यवस्थाओं में बात करते हैं, मुद्दा वो नहीं तो है। यादव यदवंशी है, राजपूत है, क्षत्रिय है, मुद्दा वो नहीं, लेकिन आज आरक्षण ले रहा है वो। चलिए, आरक्षण ले रहा है जब उसकी सामाजिक स्थिति, हाँ यही बात, सामाजिक स्थिति अपना वो बना लिया है, तारिक भाई को लेना है, हमने नहीं किया, आपने किया है, ऐसा वो है नहीं, हम आगे बना लिया। आप दोनों व्यवस्था आपकी थी, आप दोनों मेहमानों को, मैं दोनों मेहमानों को बताना चाहूंगा कि 1951 में आरक्षण की व्यवस्था इसलिए लाई गई थी कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनको आगे बढ़ा सके, और ये व्यवस्था केवल 10 साल के लिए लाई गई थी। नहीं, ये गलत है, और लगातार ये चर्चा हो रही है, कहीं नहीं लिखा हुआ है, चर्चा ये कहीं नहीं लिखा हुआ है 10 साल का आरक्षण होगा, 10 साल के लिए नहीं, आरक्षण राजनीतिक आरक्षण 10 साल की व्यवस्था दी गई थी जो कंटिन्यू हो रही है, आरक्षण व्यवस्था हमेशा रहेगी, जो की गलत। और फिलहाल तारिक भाई जल्दी जवाब दीजिए, फिर मैं देवेश को खत्म करता हूँ। देखिए, इन्होंने अभी कहा सुभाषपा के जो हमें साथी हैं, भाई हैं बड़े, कि उन्होंने मेहनत की, हमने कब कहा कि आपने चुनाव में मेहनत नहीं की भाई इलेक्शन, लेकिन ये कहना कि समाजवादी के जो नेता थे या जो कार्यकर्ता थे वो क्या बिहार में मेहनत कर रहे थे क्या? वो भी वही मेहनत कर रहे थे, लेकिन कुछ परिस्थितियां होती है, राजनीतिक ऐसे समीकरण बनते हैं कि हम चुनाव हार जाते हैं, और ये आज क्या इंदिरा गांधी हार गए और तारिक भाई बड़े बड़े लोग अभी मौर्य जी हार गए, होता है, तारिक मनाने जाएंगे नहीं जाएंगे मनाने? ये तो निर्णय लिया जाएगा, मैं तो चाहता हूँ भाई मनाया जाए, मगर इन्होंने भी गलत किया, उसके बावजूद भी मैं चाहूंगा कि मनाया जाए, साथ में रहे, जमीनी नेता हैं, अच्छा बोलते भी हैं। चलिए 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 चलिए, जयराम भाई जल्दी बात पूरी करिए 30 सेकंड में, जयराम भाई जल्दी बोलिए। देखिए तारिक भाई जो है हमारी बात का जवाब नहीं दे पाए, मैंने कहा 12 तारीख का डेडलाइन है, आप बताइए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या निर्णय है, आप पार्टी के प्रवक्ता है, कुछ जानकारी वानकारी रखते रहे वैसे ही है जी। पूछ लीजिए, मिला लीजिए फोन, और देखिए हमारे भाई इनकी आवाज बहुत हल्की आ रही है, मैं इसलिए इनका जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, आगे सुनाई दे रही है, आगे नहीं सुनाई दे रही है, दोनों नेताओं में वरना जवाब तो गौरव भाई हर बात का दिया जाए, नेता वही होता है जो छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े कार्यकर्ता का फोन उठा करके उसकी बात को रखे, वो नेता होता है। आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत धन्यवाद। फिलहाल जो मुद्दा रहा वो मुद्दा ये रहा कि राजभर जी सतपाल सिंह यादव और रघुराव प्रताप सिंह राजा भैया ये जब डिनर में या लंच में शामिल हुए थे, वहाँ पर अब रहेंगे कि नहीं रहेंगे? फिलहाल बातचीत से तो यह स्पष्ट होता है कि द्रौपदी मुर्मू जी को ये लोग समर्थन देंगे, पर यहाँ पर जिस तरह से सपा प्रवक्ता ने कहा कि अगर समर्थन देंगे तो ये अलग होंगे, तो वहीं सुभाषपा के प्रवक्ता का कहना है कि 12 तारीख हमने डेडलाइन बनाई है,
अब ये तारीख आगे बढ़ेगी या गठबंधन में और सहन होगी, गठबंधन टूटेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। पर एक बात स्पष्ट है, 2024 के पहले उत्तर प्रदेश में तमाम तरह की ऐसी पटकथाएं रस्ती नजर आएंगी। तो आज की चर्चा में इतना ही, मुझे अनुमति, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।